गणेश उत्सव के साथ ग्राम पंचायत जयरामपुरा में संपन्न हुआ कोरोना वैक्सीन महोत्सव। खबर जानते हैं विस्तार से। आज पूरे देश में गणेश चतुर्थी का उत्सव मनाया जा रहा है और भक्त लोग विघ्नहर्ता श्री गणेश जी से अच्छे स्वास्थ्य की कामना कर रहे हैं। उत्तम स्वास्थ्य की इसी तर्ज पर लोगों को कोरोना से बचाने के लिए गांव जयरामपुरा में वैक्सीनेशन महोत्सव का आयोजन हुआ, जिसमें ग्रामीणों को 400 डोज कोविशील्ड की लगाई गई। वर्तमान में वैक्सीन की उपलब्धता लोगों की संख्या के मुकाबले बहुत कम है। लोग काफी मात्रा में वैक्सीन लगवाने के लिए वैक्सीन सेंटर तो पहुंच रहे हैं, लेकिन उन्हें वैक्सीन लगेगी या नहीं यह प्रश्न चिन्ह बना रहता है। आज ग्राम जयरामपुरा में भी वैक्सीन मात्र 400 डोज आए, लेकिन वैक्सीन लगवाने वालों की संख्या बहुत ज्यादा थी। जिन्हें वैक्सीन का टोकन नहीं मिला, उनकी नाराजगी का सामना सरपंच और चिकित्सक टीम को करना पड़ा। अप्रिय घटना ना घटे, इसलिए जयरामपुरा सरपंच जगदीश निठारवाल ने मोर्चा संभालते हुए लोगों को समझाया और ढांढस बनाया कि हम जल्द से जल्द आने वाले समय में ज्यादा वैक्सीन मंगवाकर पूरी पंचायत को सुरक्षित करेंगे। सरपंच ने मीडिया को बताते हुए कहा कि ग्रामीण सरपंच का काम ऐसी परिस्थितियों में काफी मुश्किल भरा होता है, जहां लोगों को अपने स्वास्थ्य की चिंता है और वैक्सीन उपलब्ध न होने पर गुस्सा आना स्वाभाविक सी बात है। टोकन बांटने वाली चिकित्सा कर्मचारियों की टीम पर लोग नाराज हो जाते हैं और उन पर गुस्सा करने लगते हैं। ऐसी परिस्थितियों में उन्हें समझाना किसी पहाड़ को तोड़ने से कम नहीं। साथ ही सरपंच ने कहा कि ग्रामीण को वैक्सीन न मिलने पर वे निराश हो जाते हैं, इससे मेरा मन भी व्याकुल हो उठता है। ग्रामीण जनप्रतिनिधि होने के नाते सरकार और स्थानीय विधायक से निवेदन करता हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा मात्रा में हमें वैक्सीन उपलब्ध करवाएं, ताकि हमारे गाँव को इस आपात स्थिति से सुरक्षा मिल सके। वैक्सीन महोत्सव में जयरामपुरा सरपंच जगदीश निठारवाल, चिकित्सक इंचार्ज बीएल बराला, NHM उमानामा, स्वास्थ्य कर्मी मोहन लाल छिपा, विकास मंडोलिया, जितेंद्र डबरिया के साथ आशा कार्यकर्ता सीता देवी, हंसा जाट मुख्य भूमिका में रहे। व्यवस्था को बनाए रखने के लिए हरमाड़ा थाना कांस्टेबल ललित कुमार भी मौके पर मौजूद रहे। आज हमारे गांव जयरामपुरा में कोविशील्ड की 400 डोज लगाई गई। वैक्सीन के लिए हम निरंतर प्रयासरत हैं। सुबह से ही लगभग 5 बजे से ही हमारे राजकीय विद्यालय में लोगों का वैक्सीन के लिए आना शुरू हो गया। लोग काफ़ी मात्रा में आ गए और वैक्सीन के लिए तैयार थे, लेकिन होता क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों में वैक्सीन पूर्ण मात्रा में नहीं पहुंच पाती है, जिससे लोगों को और हमारे को अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए अधिक से अधिक संख्या में वैक्सीन भेजें, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों को वैक्सीनेशन करके वहाँ की आबादी को, उनके जीवन को सुरक्षित किया जा सके। मेरा